यस, वेलकम टू द ब्लॉग एंड वेलकम टू द मेन। अगर जिनको पता नहीं है भाई, मेन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल स्टेट है एंड सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। जिन लोगों को कोल्ड पसंद है, काफ़ी लोग रिटायरमेंट होके मेन में आते हैं। तो अभी हम लोग घूमने के लिए निकले हैं मेन में, और दो तीन अगला दो तीन ब्लॉग आपका पूरा मेन से रिलेटेड मिलेगा। अभी हम लोग रेस्ट एरिया पे रुके हैं। यहाँ की रेस्ट एरिया देखिए कितना सीनिक ब्यूटीफुल, ऐसे लग रहा है कि रिसॉर्ट वगैरह की तरह बनाया हुआ है। अभी मॉर्निंग है तो विजिटर सेंटर बंद है, अदरवाइज यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा पंपलेट वगैरह लेना है। ओ, यहाँ से मिल जाएगा क्या क्या मेन में है। सो ये यूएस का मैप है और मेन यहाँ पे है। ये देखिए मैसाचुसेट्स बोस्टन में हम लोग रहते हैं, न्यू हैम्पशायर, और ये मेन, ये पूरा मेन है। और ये सुपर का पर्पल जो है वो कनाडा बॉर्डर है। सो ये पूरी सारी एरिया काफ़ी सीनिक ब्यूटी के लिए फेमस है एंड कोस्टल एरिया स्पेशली। ऐसा हिल स्टेशन की तरह से अच्छा सा लग रहा है। इधर वेंडिंग मशीन बना दिया है कि खाने पीने के लिए कोई खरीद सकते हैं। पहली बार इस तरह की चीज़ें मैं हिमाचल में देखा था तो बहुत खुश हो गया था। हिमाचल मुझे बहुत पसंद आया था। मैप देख के बताओ कि कहाँ चलना है। जल्दी बताओ। Wow, what a wonderful place, guys. See? Are you happy? अरे कैंपिंग जाने में बहुत टाइम है भाई। अभी हम लोग हैं वेल्स बीच पे। हमारी कैंपिंग रेजिमेंट क्या है, तो हम लोग की कैंपिंग रेजिमेंट है वो लेजी हो गई है थोड़ा सा, तो 5 बजे निकलना था, लोग नहीं निकले हैं, तो उनका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। अगले डेस्टिनेशन पे मिलेंगे, बट सोचा कि थोड़ा सा बीच में इंजॉय कर लिया जाए। हाँ यार, सो बहुत ही इसी तरह बीच किनारे 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 काफ़ी दूर तक है, और इसके पीछे मार्स एरिया है। सो इस बीच में बस रेजिडेंशियल एरिया है। ये बहुत ही स्पेशल है, कोई भी आर्मी पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है, आर्मी में काम करता है, उसके लिए पार्किंग है। इतने अंकल लोग बैठे पीछे वो है, रिटायर्ड लोग हैं, उनकी लगता है लोकल है, लग रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह। अभी जिस शॉप में हम लोग काफी लेने आए हैं, ये काफी पुरानी है, इसकी हिस्ट्री वगैरह दिखा रहा है, देख के डेफिनेटली लग रहा है 100 इयर्स का कुछ लग रहा है, और ये एटलीस्ट 50 इयर्स पुराना होगा। हाँ। जो पुराना जो कैश काउंटर आता था, कैश वगैरह देना निकालना इधर से, क्वाइन वगैरह, और कितना डॉलर क्या है बिल है। सो फर्स्ट लाइक कैश मशीन जो काउंटर पे यूज होती थी वो ऐसी है। इस रियली यूनिक पीस देखने को मिली है। यस, ऑसम। इस तरह खाते हैं फ्रेंच फ्राई। अगर फ्रेंच फ्राई का टेस्ट बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे? पहले एक मॉन्स्टर ट्रक लेंगे, 5 बजे घर से निकलेंगे, बीच पे आ जाएंगे, स्टोन के ऊपर रखेंगे और वाटर के बीच से जाके उसको लेके केचप के साथ खाएंगे, तो अपने आप इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और ऐसी लड़की हो तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं एंजॉय द लाइफ। Right? Tasty day! I think a beautiful day. It was tasty day. Tasty day, bhai. Very tasty day. अमेरिका में पहली बार ऐसा फ्राई खा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा आलू था, बस काट दिया गया है मम्मी जैसे पहले बनाती थी लोग, और बट बहुत ही टेस्टी है। हाँ, बहुत टेस्टी है। इसको ये लोग होम फ्राई बोल रहे हैं। स्टाफ काफी अच्छा, ब्यूटीफुल एंड नेचुरल रहा जहाँ का। यस, बहुत सुंदर है। वेल्स बीच इसका नाम है एंड ये मेन में है। बोस्टन से
1 hour 20 minutes की डिस्टेंस पे है. सो नॉट वेरी फार, बहुत कमर्शियल बीच नहीं है, बट काफी लोकल क्राउड था. स्पेशली अच्छा लगेगा जैसे आपको चिल करना है. हम लोगों का अगला डेस्टिनेशन और भी बेस्ट एंड टॉप क्लास का होने वाला है. वन ऑफ द टॉप रेटेड प्लेस है अमेरिका का. लाइट हाउस वी आर गोइंग टू सी. यू फाइंड द राइट वे. सो ये है यहाँ का लाइट हाउस पोर्टलैंड का. ये वाला नहीं, ये तो हमारा लाइट हाउस है. ये पोर्टलैंड का लाइट हाउस है. वन ऑफ द वेरी फेमस मोस्ट फोटोग्राफ लाइट हाउस है. मोस्ट फोटोग्राफ, यस, मोस्ट फोटोग्राफ में इवन नब्बल लाइट हाउस से भी ज़्यादा है इसका. एंड फोर्ट विलियम पार्क है यहाँ पे. काफ़ी अच्छा है स्पेंड करने लायक, बाइकिंग के लिए, घूमने के लिए, पिकनिक के लिए बहुत स्पॉट बनाया है. हम लोग कहीं जाते हैं इस प्लांट को मैं जरूर स्मेल करता हूँ, क्योंकि देसी गुलाब की तरह एकदम से इसकी स्मेल आती है, बहुत ही अच्छी. चलते हैं थोड़ा सा इसके लाइट हाउस की हिस्ट्री वगैरह पता करो, कंचन कैसा है, म्यूजियम साफ जो ओपन नहीं है अभी. मौसम, आइए कमान गाज. कितना सीनिक प्लेस है, कितना सीनिक प्लेस है, वाह ऑसम है. यहाँ लाइट हाउस है, नेशनल हिस्टोरिक सिविल इंजीनियरिंग लैंडमार्क. ये बना है 1852, नहीं ये तो एसोसिएशन 1852 का है. ये कंप्लीट हुआ है 1791, या सो 232. हम लोग की ब्यूटीफुल कंपनी आ गई है देवांशी. वाह, इधर का भी प्लेस बहुत ही सीनिक एंड अच्छा लैंडस्केप है. उधर से जाके अक्सर इसका पिक्चर लिया जाता है लाइट हाउस का. अभी हमारे साथ मनोज द फोटोग्राफर आ गए हैं, अभी सौमिल आ रहे हैं. इधर हम लोग वॉक करने चले हैं, यहाँ पे हाइक के बनाया हुआ है क्लिफ वॉक करके. सो डेफिनेटली काफ़ी हाइट है हर जगह पे. कमान गाइस हियर. और अकेले, सुनो सुनो, अकेले नहीं जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा डेंजर है. देखिए लिखा है डेंजर, ठीक है, तो हर जगह थोड़ा सा केयरफुल रहिए. सेफ बनाया है, चारों तरफ फेंस लगा दिया है, बट स्टिल व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू. ये हाइक मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है. ये प्लेस कैसा लगा आपको? गुड, एंजॉयिंग. एंजॉयिंग भाई, एंजॉयिंग, वेरी गुड. अकेडिया में भी ऐसे ही ऐसे सब रहेगा ना, तो बस तो इधर पोर्टलैंड सिटी है. काफी इसका कोस्टल एरिया सुंदर लग रहा है. फास्टर फास्टर, यस का यस.
अभी मैंने जस्ट पता किया तो ये रियल रोज है, ये डिफरेंट वैरायटी है रोज की, इसीलिए रोज की तरह स्मेल कर रहा है। इसी में एक वर्जीनिया रोज बोलते हैं और ये थोड़ा सा वर्जीनिया रोज से हटके है। कमान गाइस कमान, ये राख कितना ब्यूटीफुल बनी है, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह लेयर्स है और ऐसे 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 लग रहा है कि किसी ने कट किया है, सी ऐसे लग रहा है, बट ये अपने से हुई है, नो वन हैज डन इट, ऐसा लग रहा है कट किया एकदम शार्प ऐसे। संभाल के गाइस संभाल के, व्हाट अ यूनिक पीस, ऐसे लग रहा है ना कि ये स्टोन लकड़ी की तरह है, देखिए लकड़ी की तरह है और छोटा छोटा वुडन चिप्स है, देखने में एकदम लकड़ी की तरह लग रहा है बट इस प्रिटी एकदम स्टोन साले। यहाँ से एक स्पॉट दिया है नीचे रात पे आने के लिए जहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, थोड़ा डेंजरस लग रहा है बट इधर से सीनिक व्यू बहुत अच्छा है। यहीं से ज़्यादातर फोटोग्राफी जो होता है इसका अमेजन पे, हर वेबसाइट पे इसका पोर्ट्रेट भी मिलता है। अरे यार तुम लोग हमको डरा रहे हो, आगे मत जाओ समीर, नहीं समर आगे नहीं, ओह वेलकम वेलकम, आइए आइए आइए। ये रॉक फॉर्मेशन का कितना यूनिक पीस है, इसके बीच में डिफरेंट मार्बल की तरह का स्टोन है, यस सी ऐसे लग रहा है। बैठ क्या देवान सी, गिरोगी ना तो मुंह फट जाएगा। कैसा है देखा कितना प्यार हो गया, प्यार हो गया, आई लव यू मान गया, जब खुश हो जाता है ना तो ऐसे ही बस प्यार करता है, बहुत बहुत चालू पर्सन है। आई लाइक माई मॉम एंड डैड क्योंकि हमें बहुत घुमाते हैं और डांट देता हूँ तो बोलता है आई डोंट लाइक यू गाइज, आई विल नॉट हग यू गाइज। Well done guys, well done। हमारी टीम हमको छोड़ के खाना खा रही है, अभी शुरू किया है। अगला डेस्टिनेशन हम लोग का पता नहीं है अभी कहाँ है बट आगे अभी 130-70 माइल जाना है एंड डेफिनेटली पोर्टलैंड लाइट हाउस वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड एंड मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ लाइट हाउस ही नहीं, हर एक चीज का कॉम्बिनेशन है, लाइट हाउस है, पिकनिक स्पॉट है, सीनिक व्यू बहुत अच्छा अच्छा है, ताकि आप पिकनिक के लिए आओ ऊपर से बैठो एकदम पूरा व्यू आएगा ओशन का, बैठ के खाना खाओ, इट्स लाइक वंडरफुल। पार्किंग भी बहुत ज्यादा है, रेस्ट रूम वगैरह की फैसिलिटी है। सो अमेरिका में यही खास बात होती है, बनाए थे लाइट हाउस किस काम के लिए बना था, अब उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिए हैं, सब लोग भैया आओ घूमो खाओ पियो बिजनेस बढ़ाओ, यहाँ की आओगे तो पार्किंग का लगेगा गैस का लगेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो यहाँ का लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी। जिन लोगों को पता नहीं है बता दूं, ये पोर्टलैंड का दूरदर्शन केंद्र है, यहीं से सारा सीधा प्रसारण होता है और सारे हमारे ब्लॉक का सारा प्रसारण यहीं से होगा। और दूरदर्शन की क्या बोलते हैं, समाचार वाचिका, डॉक्टर कंचन शंकर स्टार्ट। भारतीय फैमिली के ब्लॉग में आपका स्वागत है, आज का समाचार ये है कि हम लोग निकले हैं और बहुत अच्छा रहा, सवेरे से सब लोग एकदम सवेरे से उठ के निकल चुके हैं। पहला स्टॉप हमारा एक वेल बीच था, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, समर समीर को होम फ्राइज खिलाई। तो चलिए पहले आपको ले चलते हैं वेल्स बीच। अच्छा चलिए आपको ले चलते हैं वेल्स बीच। अगला स्टॉप हमारा रहा पोर्टलैंड लाइट हाउस, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, सारे फैमिलीज वाले थे और सबने खाना वाना खाया और खूब अच्छे से एंजॉय किया। सो नाउ बैक टू समाचार वाचक भारती जी के पास, चलिए ले चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ जो और भी वंडरफुल होने वाला है। प्रचार नहीं आ रहा है यार अभी।